खड़ी हूँ खरौंद गांव में, जो रास्ता जा रहा है गड़ी खुर्द के लिए। ये रास्ता 2017 में बन जाना चाहिए था, लेकिन 2017 निकल चुकी है और अभी तक ये सड़क बनने का काम भी नहीं शुरू हुआ है। 28/6/2017 को हमारे क्षेत्रीय विधायक मानिकपुर के आर.के. पटेल ने यहाँ शिलान्यास तो कराया है, लेकिन अभी तक काम नहीं चालू कराया है। गड़ी खुर्द के लोगों का कहना है कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं इस सड़क से जाने के लिए। हम टूटे पुल से जाते हैं चौहारा होते हुए, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत, रात बिरात कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आते हैं। कितनी आबादी इस गाँव की? ये 600-700 से कम नहीं होगी। तो ये सारे लोगों का यही रास्ता है खरौंद होते हुए जाने का? बस यही रास्ता है खरौंद आने जाने का। यहाँ तो सबसे ज्यादा रोड की दिक्कत है, जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला आया, कोई बाइक वाला आया, कोई जैसे वो ले गया अपनी, तो वहाँ से आए और यहाँ फंस गए। कोई धक्का लगाने वाला है नहीं, जैसे मान लो यहाँ से वहाँ नदी तक है, वहाँ दिक्कत ही है, ऐसे दिक्कत ज्यादा है। तो रोड सही नहीं होने की वजह से बच्चे पुल टूटे पुल से होके जाते हैं? हाँ, टूटे पुल से जाते हैं, और रोड एक भी सही नहीं है, यहाँ साधन आ नहीं पाता है, तो या तो यहाँ से घूम के जाएं या तो फिर यहाँ से जाए, तो यहाँ से घूम के जाने में बहुत समय लगता है, और यहाँ से कुछ नजदीक भी पड़ जाता है, अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से नजदीक पड़ जाता है। यहाँ पर हमारी मजबूरी है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं और 12 तक स्कूल बना है, इसलिए हम जाते हैं, मजबूरी है नहीं, वहाँ से जाएंगे तो देर पड़ जाता है। यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाते हो? हाँ। तो क्या क्या दिक्कतें आती है उधर से अगर आप जाओगे तो? उधर से दूर पड़ता है। अभी तो निकल रहे हैं किस तरह, जहाँ से मास आए तो हम बच्चे भी गिर जाते हैं, बूढ़ भी जाते हैं, उसकी बच्चा भी, आदमी अगर नजदीक हुआ तो पकड़ते ही नहीं, लड़के भी बूढ़ जाते हैं वहाँ। तो हमारा पुल भी जरूरी है बनना, अगर यहाँ से घूम के जाते हैं तो 3 किलोमीटर घूम के जाते हैं बच्चे। अभी जो शिलान्यास लगाया गया था, विधायक जी आए थे, तो कितने महीने हो गए उनको आए? उन्हें तो हो गए 2-3 महीने जब आए थे। अभी काम नहीं चालू हुआ? नहीं, अभी तक यहाँ काम नहीं चालू हुआ। शिलान्यास करवा गए हैं, अभी तक जो है काम नहीं चालू किए, और 4-5 महीना हो गए उनको शिलान्यास करवा दें। जो बजट लिखा हुआ है शिलान्यास बोर्ड में, तो क्या वो बजट पास हो चुका है? नहीं, बजट पास हो चुका है, बजट तो बुंदेलखंड विकास निधि जो है का बजट है, और बुंदेलखंड विकास निधि 16-17 का बजट है, वो उसमें पैसा विभाग को कुछ प्राप्त हुआ है, किस्तवार चूंकि पैसा आता है, बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा किस्तों में आता है, एक किस्त आई, उसमें एक किस्त में मिट्टी और मोरम का काम उन लोगों ने कुछ किया है, और इसके बाद उसमें जो सीसी रोड या डामरीकरण जो होना है आगे का, गिट्टी सोलिंग का, जल्द से जल्द उनको पूरा करा लिया जाएगा।